स्टूडेंट्स कॉमर्स की इस क्लास में मैं मोहम्मद सरफराज नवाज आपका वेलकम करता हूं आज हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम फरसूदगी कहते हैं यह तो आपको पता ही है कि जब भी हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है कम होते रहती है और उन चीजों की वैल्यू डेली बेसिस पर गिर रही होती है और जिन चीज़ों की वैल्यू गिर रही है ये उसका फाइनेंशियल इफेक्ट है और उसका टेक्निकल वर्ड डिप्रीसीशन है और उसका टेक्निकल वर्ड क्या होता है डिप्रीसीशन होता है फ़रसूदगी होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू क्यों गिरती है क्योंकि उस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है और बिजनेस में जो फिक्स्ड असेट्स, यानी के कियम की वैल्यू में कमी होने को डिप्रीसीशन कहेंगे किसी भी फिक्स्ड असेट को हम जब यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आती है चाहे किसी भी वजह से फिक्स्ड असेट की वैल्यू में कमी आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम डिप्रीसीशन कहेंगे अब ये फ़िक्स्ड असेट्स क्या होते हैं हायम असाषजा किसे कहते हैं चलिए अब उसको जानते हैं कारोबार बिज़नेस को फिक्स्ड असेट्स रखने पड़ते हैं जिसकी वजह से बिज़नेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट यानी कि तवील मुद्दत तक फ़ायदे वसूल होते रहते हैं अब ये लॉन्ग टर्म तवील मुद्दत का मतलब क्या है इसका मतलब यानी कि जब तक कारोबार रहेगा या कंपनी रहेगी या जिसका पीरियड कई सालों का होगा यानी कि कारोबार एक लंबे अरसे तक हो सकता है और जब तक कारोबार में फिक्स्ड असेट्स रहेंगे फिक्स्ड असेट्स की मदद से कारोबार फायदा वसूल करते रहेगा फिक्स्ड एसेट को कारोबार में रखना जरूरी हो किसी भी वजह से या किसी भी रीजन से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना तो उसको हम क्या कहेंगे तो उसको हम डिप्रीसीशन फरसूदगी कहेंगे अकाउंटिंग में डिप्रीसीशन एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट है प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट्स और वहीकल्स और लैंड जमीन ये तमाम मिसालें फिक्स्ड एसेट्स की हैं इनको फिक्स्ड एसेट कहा जाता है इन सब मिसालों में लैंड ज़मीन एक ऐसा सिंगल फिक्स्ड एसेट है जिसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती ये बात याद रखने की है लैंड की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती हमेशा इसके वैल्यू में अप्रिसिएशन होगा बढ़ोतरी होगी और लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहती है समझ में आया लैंड की डिप्रीसीशन नहीं होती क्योंकि इसके वैल्यू में गिरावट कभी नहीं आती और लैंड की कभी कोई इस्टीमेटेड लाइफ नहीं होती और लैंड का ज़मीन का हमेशा अप्रिसिएशन ही रहेगा यानी कि लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहेगी कभी भी कम नहीं होगी और बाकी तमाम फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम होती रहेगी जैसा जैसा उनको इस्तेमाल करते जाएंगे उनकी वैल्यू में कमी आती जाएगी अब ये सवाल पैदा होता है कि फिक्स्ड असेट्स में कमी क्यों आती है इसके क्या रीजंस होते हैं देखिए एक कॉमन सेंस की बात है जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू में जाहिर सी बात है कमी आएगी और जैसे जैसे वक्त गुज़रता है वक्त के साथ साथ चीज़ें पुरानी होती चली जाती हैं वो चीज़ें घिस पिट जाती हैं या फिर टूट जाती हैं या फिर वो चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं या फिर टेक्नोलॉजी के चेंज होने से या फिर आप कह लीजिए कि अपडेट होने से तो इन सारी वजहों से असेट्स की वैल्यू में कमी होती है अगर हम समझने के लिए आसान अल्फाज में अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि न्यू एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है और ओल्ड असेट्स पुराने असेट्स की वैल्यू कम होती है तो समझ में आया डिप्रिसशन क्या होता है डिप्रीसीशन का सारा मामला फिक्स्ड एसेट्स पर ही होता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है ये बात आप याद रख लीजिए तो पहला कंडीशन है कि उस फिक्स एसेट की यूजफुल लाइफ 12 महीनों से ज्यादा होनी चाहिए तो इसका मतलब एक साल से ज्यादा यानी कि जो बिजनेस में फिक्स एसेट को इस्तेमाल किया जा रहा है उसका फ़ायदा एक साल से ज़्यादा के आने वाले सालों में मिलता रहे यानी कि ये कितने भी साल हो सकते हैं पाँच साल दस साल बीस साल यानी कई साल भी हो सकते हैं सेकेंड कंडीशन है कि जो फिक्स एसेट बिजनेस में कारोबार में लगाया गया है उसको मैनेजमेंट सेल नहीं कर सकता फिक्स्ड एसेट जो कारोबार में लगाया गया है वो कारोबार के फ़ायदे के लिए है तो मैनेजमेंट इसको सेल नहीं कर सकता फरोख्त नहीं कर सकता और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि और बिजनेस में जो फिक्स्ड एसेट है वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन प्रोसेस में ही इस्तेमाल हो यानी कि कारोबार के जो गुड्स एंड सर्विसस है उनको तैयार करने में ही उसका इस्तेमाल हो इन तीन चीज़ों के कंडीशंस पर पूरा होने पर ही हम उसको एसेट कहेंगे क्या कहेंगे एसेट कहेंगे फिक्स्ड एसेट के लिए इन तीनों कंडीशनों का होना बहुत ज़रूरी है जो भी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में तैयार होने के लिए इस्तेमाल होती हैं यूज़ होती हैं उसको हम एक्सपेंस बताना पड़ेगा क्या बताना पड़ेगा एक्सपेंस खर्च बताना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट को कितने सालों तक यूज़ किया जा सकता है फिक्स्ड एसेट्स को कई सालों तक यूज़ किया जा सकता है तो उसका एक्सपेंस भी कई सालों तक बताना पड़ेगा यानी उसका खर्चा भी कई सालों तक बताना पड़ेगा यह सबसे इंपॉर्टेंट है तो इस पूरे काम को इस पूरे तरीके को हम क्या कहेंगे हम कहेंगे डिप्रिसिएशन फरसूदगी समझ में आया डिप्रिसिएशन क्या होता है फरसूदगी क्या होती है देखिए कि ऐसी कोई भी चीज जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए तो उसको एक्सपेंस बताना ही पड़ेगा क्या बताना पड़ेगा एक्सपेंस खर्च बताना ही पड़ेगा तो इसको हम ज़रा अब एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल लेंगे अब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे तैयार किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करने के लिए जनरेट करने के लिए कई भारी भारी मशीन्स को लगाना पड़ेगा यानी कि पहले खर्च करना पड़ेगा पहले एक्सपेंस करना पड़ेगा क्या आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी के बिल को ग़ौर से देखा है अगर आप उसको ग़ौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग रेट्स रहेंगे मतलब ये कि जो 50 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अलग रेट रहेगा जो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए रेट अलग रहेगा और जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए रेट भी अलग ही रहेगा और हाउस होल्ड का रेट अलग रहेगा कमर्शियल का रेट भी अलग ही रहेगा और पर यूनिट कितने पैसे लेंगे ये कैसे मालूम होगा इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मगर वो कैसे पर यूनिट पर इतना ख़र्चा होगा वो कैसे मालूम करेगी कि इतने यूनिट खर्चा होने पर इतना रेट लगेगा उसको कैसे अंदाज़ा होगा कि कैसे मालूम होगा ये डिप्रीसीशन से मालूम होगा फरसूदगी से मालूम होगा अब दूसरी मिसाल लेते हैं कार की अगर आप कार रेंट पर लेंगे तो वो पर किलोमीटर पैसे चार्ज करेंगे पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस कम ही रहेगा मगर वो उसके साथ साथ कार का कॉस्ट यानी कार का खर्चा भी तुम्ही से वसूल करेंगे ऐसा क्यों होगा क्योंकि कार को इस्तेमाल किया जा रहा है और कार की वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम डिप्रीसीशन कह सकते हैं और अब तीसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं मेडिसिनस का यानी कि दवाइयों का जब दवाइयों को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उन पर ख़र्चा बहुत ही कम आता है पैसों में आता है मगर इसके बावजूद दवाइयों की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं ये ऐसा क्यों होता है ये इसलिए होता है कि उसको बनाने पर कुछ खर्च हुआ है कुछ यूज़ हुआ है दवाओं को मैन्युफैक्चर करने के लिए फार्मूले को ख़रीदना पड़ेगा और मशीनरी को भी ख़रीदना पड़ेगा और मशीनरी को इस्तेमाल भी करना पड़ेगा और ये तमाम चार्जेस खर्चे आप ही से वसूल किए जाते हैं तो इसीलिए दवाओं की कीमत ज़्यादा होती है तो बात समझ में आई डिप्रीसीशन क्या होता है अब इन तीन मिसालों में आपने देखा कि गूड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन प्रोसेस में तैयार करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा यानी कि कुछ एक्सपेंस होंगे और इन एक्सपेंसेस को बताने का नाम ही डिप्रीसीशन है बिजनेस में डिप्रीसीशन एक बहुत बड़ा खर्चा माना जाता है डिप्रीसीशन क्यों होता है और इसके क्या रीजंस हैं ये सब आपको जाने अनजाने में सब पता ही है इसके कई सारे रीज़न्स होते हैं इसबाब होते हैं वक्त के गुजरने पर जिसको हम पैसेज ऑफ टाइम कहते हैं जब डिप्रीसन किया जाएगा सेकेंड नंबर चेंज इन टेक्नोलॉजी का है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी अपडेट होती जाएगी डिप्रीशन किया जाएगा और तीसरा है कि किसी भी फिक्स्ड एसेट को कंटिन्यू लगातार इस्तेमाल करने से वो घिसपिट जाता है टूट जाता है आज जमाना किसका है आज जमाना टेक्नोलॉजी का है आज के इस दौर में सब लोग क्या चला रहे हैं एक से महंगी से महंगी बड़ी बड़ी कारें चला रहे हैं इसमें अगर कोई ये सह कहे कि मैं साइकिल चला रहा हूँ तो कैसा लगेगा साइकिल का दौर चला गया अब नया दौर है और इस दौर में हम ना तो साइकिल चला सकते हैं और ना ही लूना चला सकते हैं बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद कर वक्त के हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको चेंज होना पड़ेगा फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक कार ख़रीदी और उसको चलाया ही नहीं जिल बिल्कुल वैसे ही रखा है और उसको जब बेचने की बात आएगी तो क्या आपको पूरी रकम मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी जिम का सामान आपने लाकर घर में रखा है और उसको इस्तेमाल नहीं किया और बाद में जब उसको सेल करेंगे तो क्या आपको पूरे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ कम पैसे मिलेंगे तो ये कम पैसे मिलना वैल्यू में कमी होना ही डिप्रीसीशन कहलाता है इसके अलावा अगर कुछ अबनॉर्मल लॉस हो जाए तो उसको हम डिप्रीसीशन नहीं बोलेंगे ये बात याद रख लीजिए मिसाल के तौर पर सामान को आग लग गई सामान पूरा जलकर तबाह हो गया बर्बाद हो गया तो क्या हम उसको डिप्रीसिएशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसको डिप्रीसिएशन। या फिर लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया यानी कि एक्सीडेंट के, के जरिए नुकसान हो गया तो क्या हम उसको डिप्रीसिएशन बोलेंगे नहीं उसको हम डिप्रीसिएशन नहीं कह सकते या फिर लॉस बाय थेफ्ट हो गया यानी कि सामान चोरी हो गया तो क्या हम उसको डिप्रिसिएशन ट्रीट करेंगे नहीं हम इसको भी डिप्रीसीशन ट्रेड नहीं कर सकते अब नॉर्मल इवेंट्स अगर हो जाएंगे तो हम उसको डिप्रीसीशन नहीं बोलेंगे डिप्रीसीशन सिर्फ एक अंदाज़ा होता है एक इस्टीमेट है सिर्फ क्या है एक इस्टीमेट अंदाज़ा होता है और डिप्रीसीशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है यानी कि जिसके लिए आपको कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब आपने फिक्स्ड असेट खरीदा था तभी ये खर्च उसकी वैल्यू में आ गया था तो इसीलिए डिप्रीसीशन क्या है नॉन कैश एक्सपेंडिचर है तो डिप्रीसीशन क्या है डिप्रीशन की एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है मतलब कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता मतलब पैसे कारोबार से बाहर नहीं जाते फ़र्ज़ करो कि एक मशीनरी का डिप्रीसीशन हज़ार रुपये है तो अब हम ये एक हज़ार रुपये पहले कहाँ लिखेंगे ये एक हज़ार रुपये पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर लिखेंगे ये खर्च है बोलकर कर वहाँ पर बतलाएँगे तो वहाँ पर बताने का मतलब क्या हुआ वहाँ पर बताने का मतलब सिर्फ़ एक्सपेंस है ख़र्चा है बोलकर बताया गया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक हज़ार रुपये कारोबार से बाहर चले गए ये उसका मतलब नहीं हुआ उसको एक रिज़र्व बनाकर अलग से रखते हैं और जब मशीनरी की वैल्यू ख़त्म हो गई या फिर उसकी जगह कोई नई मशीनरी को ख़रीदना है तो ये एक हज़ार रुपये उस नई मशीनरी के ख़रीदने में काम आएंगे समझे इससे पहले भी हमने कहा था कि डिप्रीसीशन एक खर्च है खर्चा है एक्सपेंस है अगर चार्ज नहीं किया गया तो सही प्रॉफिट मालूम नहीं होगा बैलेंस शीट में डिप्रीसीशन के वैल्यू निकालने के बाद ही असेट्स की वैल्यू बताई जाएगी कि आज की डेट में उस असेट की क्या वैल्यू है डिप्रीसीशन एक बाय प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट का मतलब एक चीज़ में से ही दूसरी चीज को निकालना बाय प्रोडक्ट कहलाता है डिप्रीसीशन करने के लिए क्या ज़रूरी है डिप्रसीशन करने के लिए असेट का होना ही ज़रूरी है असेट ही उसका मेन प्रोडक्ट है तो बाय प्रोडक्ट क्या हुआ डिप्रीसीशन हुआ असेट्स के ख़रीदने के बाद ही डिप्रीसीशन पैदा होगा असेट को ख़रीदने के लिए परचेस करने के लिए जो सारा खर्च करना पड़ता है उसको असेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा यानी कि जोड़ दिया जाएगा आइए इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए से समझेंगे फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक मशीनरी बॉम्बे से ख़रीदी एक लाख रुपये में कितने में ख़रीदी एक लाख रुपये में आपने एक मशीनरी बॉम्बे से खरीदी और बॉम्बे से उसको लाने के लिए लग गए ट्रांसपोर्टेशन कास्ट दस हज़ार रुपये और समझो के उस मशीन को लगाने के लिए इंस्टॉल करने के लिए अलग से पाँच हज़ार रुपये भी लग गए मशीन चूंकि बड़ी थी उसके पार्ट्स अलग अलग थे यानी कि उसके कई पार्ट्स थे अब उन कई पार्ट्स को जोड़ने के लिए एक इंजीनियर को बुलाया गया और उसने अलग से एक दस हज़ार रुपये ले लिए मशीन तो आपने खरीदी थी एक लाख रुपए की अब अलग से कितने लग गए पच्चीस हजार रुपये लग गए तो अब टोटल मशीनरी कितने की हो गई एक लाख पच्चीस हजार रुपये की हो गई एक लाख डायरेक्ट रुपये और पच्चीस हजार रुपये इनडायरेक्ट लग गए समझ में आया अब मशीनरी हो गई पूरे एक लाख पच्चीस हजार रुपये की समझे फर्स्ट टाइम असेट को यूज़ करने पर हमने कितना पैसा खर्च किया है और जो भी खर्च होगा वो असेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा डिप्रीसीशन निकालने के लिए तीन से चार चीज़ों का होना ज़रूरी होता है तो इसमें सबसे पहले नंबर वन पोजीशन पर है कॉस्ट लागत इसका मतलब यानी कि जितने में उसको ख़रीदा गया है दूसरे नंबर पर है सेल वैल्यू यानी कि असेट को ख़रीदा गया और उसको इस्तेमाल किया गया और उसकी लाइफ होने के बाद उसको सेल कर दिया गया हर चीज़ की एक यूज़फुल लाइफ होती है लगातार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हर असेट की एक यूज़फुल लाइफ होती है जैसे बिल्डिंग फ़र्नीचर मशीनरी वगैरह और तीसरे नंबर पर है स्क्रैप वैल्यू यानी कि उसकी नाकारा कीमत स्क्रैप वैल्यू का सही मतलब असेट्स को एक मुद्दत तक इस्तेमाल करने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस का अंदाज़ा लगाना इस्टीमेट सेलिंग प्राइस होती है और यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं स्क्रैप वैल्यू को सेल वैल्यू बोलना गलत है हम डिप्रीसीशन को एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम सिर्फ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इस्टीमेट कर सकते हैं तो समझ में आया फरसूदगी डिप्रीशन क्या होता है डिप्रिसशन टैक्स परपस के लिए भी किया जाता है बिजनेस के असेट्स की कितनी वैल्यू है और कंपनी का असल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो मालूम करने के लिए भी डिप्रीसीशन को इस्तेमाल किया जाता है वक्त के गुजरने के साथ साथ कंपनी के कितने असेट्स पुराने हो चुके हैं उन असेट्स में कितनी कमी आ गई है ये भी मालूम करने के लिए डिप्रीसीशन किया जाता है अकाउंट्स की किताबों में डिप्रीसीशन को क्यों इंटर किया जाता है क्या आपको पता है अकाउंट्स की किताबों में डिप्रीसीशन को लिखने का मकसद क्या होता है क्या आप जानते हैं इसका मकसद ये होता है कि कंपनी को हर साल अपने एसेट्स बताने होते हैं और उसी की बेसिस पर उनको टैक्स देना पड़ता है और जितना एसेट्स को कम बताएंगे या उनकी वैल्यू को कम बताएंगे उतना ही उनको टैक्स कम आएगा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास आज की समझ में आई होगी और डिप्रीसीशन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा ये डिप्रीसीशन का सिर्फ थियरी पार्ट है तो अब हम हमारी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू